समाजवादी पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक दुबे के निधन पर शोक जताया है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव उनके आवास पर पहुंचे और उनके बेटे अंशुल से मिलकर अशोक दुबे के पुराने वाक्यों का जिक्र करते हुए सांत्वना दी। प्रोफेसर यादव ने दिवंगत दुबे के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अशोक दुबे दलगत और जातिगत राजनीति में ऊपर थे। उन्होंने हमेशा विचारों की राजनीति की है और व्यक्तिगत संबंधों को भी कभी राजनीति के बीच में नहीं आने दिया। प्रोफेसर राम गोपाल ने कहा कि अशोक दुबे का निधन राजनीति की अपूर्ण क्षति है। जिले में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अशोक दुबे का सबसे बड़ा योगदान है। सपा का गढ़ कहे जाने वाले इटावा से दो बार विधायक रहे अशोक दुबे का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। पार्टी में स्वर्गीय अशोक दुबे के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी की इटावा का पितामह कहा जाता है। प्रोफेसर यादव के साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव, पूर्व चेयरमैन कुलदीप गुप्ता, भरथना विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर जय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया, अनिल दोरे, रामकिशन राजपूत आदि मौजूद रहे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।